सॉर्बेंट डायलिसिस, इसमें हम देखेंगे वाटर सॉर्बेंट। सॉर्बेंट क्या होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सॉर्बेंट डायलिसिस, सॉर्बेंट डायलिसिस का प्रिंसिपल क्या होता है, हाउ सॉर्बेंट रीजेनरेटेड सिस्टम्स वर्क, एक्शन इन्वॉल्व इन सॉर्बेंट डायलिसिस, सॉर्बेंट कार्टेज स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द सॉर्बेंट डायलिसिस। कुछ क्वेश्चंस, सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट आर सॉर्बेंट्स। सॉर्बेंट्स क्या होते हैं, सॉर्बेंट्स आर केमिकल्स और सॉलिड दैट बाइंड्स अदर केमिकल्स। सॉर्बेंट ये केमिकल भी हो सकता है, सॉर्बेंट कोई सॉलिड भी हो सकता है, बट इसका काम ये है कि ये केमिकल्स को बाइंड करता है। ठीक है, ए सॉर्बेंट रीजेनरेटेड डायलिसेट डिलीवरी सिस्टम इज़ ए पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल किडनी। हमारा जो सॉर्बेंट रीजेनरेटेड डायलिसेट डिलीवरी सिस्टम है, ये भी आर्टिफिशियल किडनी का एक पार्ट है ना। इसको शॉर्ट में हम रेडी भी बोलते हैं, और या आप इसको सॉर्बेंट डायलिसिस भी बोल सकते हैं। ये हमारी आर्टिफिशियल किडनी का एक पार्ट है। इट कंसिस्ट ऑफ ए सॉर्बेंट कार्ट्रिज। इसमें स्पेशल ये होता है कि एक सॉर्बेंट कार्ट्रिज इसके अंदर होती है। ठीक है, अगर प्रिंसिपल की हम बात करें तो इसका प्रिंसिपल एक है एडजॉर्प्शन का, है ना। एडजॉर्प्शन का मतलब होता है एडहेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल टू ए सरफेस। किसी सरफेस पर मॉलिक्यूल का सूख जाना, या कोई सरफेस किसी मॉलिक्यूल को सोख ले, या कोई मॉलिक्यूल किसी सरफेस पर चिपक जाए, तो उसको हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। ठीक है, इसका मैकेनिज्म ऑफ बाइंडिंग क्या होता है, वांडरवाल फोर्स एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जिनके ज़रिए से ये चिपकता है या सूखता है। वर्किंग मेथड, अगर हम बात करें कि ये काम कैसे करता है, तो ए स्मॉल वॉल्यूम ऑफ यूज डायलिसेट इज रिसर्कुलेटेड थ्रू ए कार्टेज ऑफ एब्जॉर्बेंट मटेरियल एंड केमिकली रीजेनरेटेड। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हम नॉर्मल डायलिसिस में हम क्या करते हैं कि जो हमारा यूज डायलिसेट होता है उसको तो हम ड्रेन आउट कर देते हैं, बट इसमें क्या करेंगे कि उस यूज डायलिसेट को हम एक कार्ट्रिज के थ्रू पास करेंगे, जहाँ पर वो रीजेनरेटेड होगा और उसके बाद वो रिसर्कुलेटेड होगा। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होगा, यानी हम जब इसको किसी कार्ट्रिज के थ्रू जब इसको हम पास करेंगे, तो हमारा ड्यूरिंग डायलिसिस जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट आ गए थे वो रिमूव हो जाएंगे, और जो इलेक्ट्रोलाइट्स कंटेंट थे और पीएच थे वो फिर नॉर्मल वो रिस्टोर हो जाएंगे। जैसे हम देखें तो ये हमारी नॉर्मल डायलिसिस है। ठीक है, कि पेशेंट कनेक्ट हुआ है और ब्लड उसका डायलाइजर में गया, फिर वहाँ से फिल्टर होके पेशेंट को वापस ब्लड रिटर्न हो गया। ठीक है, लेकिन जो हमारा यूज डायलिसेट है वो हम ड्रेन कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम सॉर्बेंट डायलिसिस करेंगे तो इसमें यूज डायलिसेट को हम रीजेनरेट करेंगे और रिसर्कुलेट करेंगे। अगर इसके मशीन के डायग्राम की बात करें तो कुछ इस तरीके से डायग्राम है, जिसमें ये हमारा डायलाइजर है और नीचे ये हमारा ये डायलिसेट बैग हो गया। ठीक है, ये एक पंप है जो कि हमारे डायलिसेट को पंप करता रहेगा डायलाइजर में, और ये दूसरा पंप है ये क्या करेगा कि यूज डायलिसेट को पंप करता रहेगा सॉर्बेंट में। सॉर्बेंट मीन्स हमारी सॉर्बेंट कार्ट्रिज, वहाँ से ये रीजेनरेट होगा और रीजेनरेट होकर ये वापस हमारे डायलिसेट बैग में आ जाएगा, फिर वहाँ से पंप के थ्रू फिर डायलाइजर में चला जाएगा। बीच में एक पंप हमारा और है, ये हमारा कैल्शियम मैग्नीशियम को इन्फ्यूज़ करता रहेगा। ये एक डायग्राम है। हमारा जो सॉर्बेंट डायलिसिस होता है वो नॉर्मल डायलिसिस की तरह होता है, बट इसमें क्या होता है कि हम सॉर्बेंट कार्ट्रिज को यूज़ करते हैं आरओ वाटर की जगह पर। ठीक है, ये पेशेंट हमारा लगा हुआ है। ठीक है, पेशेंट से ब्लड आया और फिर वापस पेशेंट को रिटर्न हो गया डायलाइजर से। अब जो डायलाइजर से यूज डायलिसेट हमारा होता है वो कहाँ चला जाएगा, हमारा सॉर्बेंट कार्ट्रिज में जाएगा। ठीक है, जहाँ पर चार लेयर होती हैं, उन लेयर से क्या होगा कि एक के बाद एक लेयर से गुजरेगा डायलिसेट हमारा,
और फिर वहाँ से वो प्योरीफाई होगा, रीजेनरेट होगा, रीजेनरेट होकर वो वापस फिर क्या हो जाएगा, हमारा डायलिसिस फ्लूड सोल्यूशन बन जाएगा, और फिर यहाँ से हम उसको फिर रिसर्कुलेट कर देंगे। ये प्रोसेस चलता रहता है, यही होता है हमारा सॉर्बेंट डायलिसिस। इसमें थ्री एक्शंस होते हैं, यानी हमारा जब सॉर्बेंट डायलिसिस होता है या हमारा सॉर्बेंट सिस्टम होता है तो उसमें तीन तरह के एक्शन होते हैं। एक तो ये होता है कि हमारा कन्वर्जन ऑफ यूरिया टू अमोनियम कार्बोनेट, हम यूरिया का कन्वर्जन करते हैं। दूसरा एड्सॉर्प्शन ऑफ क्रिएटिनिन एंड अदर सॉल्यूट्स, जो हमारे क्रिएटिनिन है या दूसरे हैवी मेटल्स हैं या स्मॉल सॉल्यूट्स हैं, उनका हम एड्सॉर्प्शन करते हैं, यानी उनको सोख लिया जाता है, ठीक है। और फिर क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ द आयंस, आयन का हम एक्सचेंज करते हैं। अगर हम बात करें कि सॉर्बेंट कार्ट्रिज वर्क कैसे करती है या उसके स्ट्रक्चर की हम बात करें, तो हमारे सॉर्बेंट कार्ट्रिज में चार लेयर होती हैं। एक लेयर होती है हमारी जर्कोनियम ऑक्साइड एंड कार्बोनेट की, दूसरी होती है हमारी जर्कोनियम फॉस्फेट की, तीसरी होती है यूरिएज की, और चौथी होती है एक्टिवेटेड कार्बन की। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पहली लेयर हमारी एक्टिवेटेड कार्बन की होती है, दूसरी हमारी यूरिएज की होती है, तीसरी जर्कोनियम फॉस्फेट की, और चौथी हमारी जर्कोनियम ऑक्साइड की। सारी लेयर्स का अलग अलग काम होता है। जब हम डायलेसेट, हमारा जो यूज डायलेसेट है उसको जब हम रीजेनरेट करेंगे, तो वो यूज डायलेसेट हमारा पहले आएगा एक्टिवेटेड कार्बन में, जहाँ पर हमारे हैवी मेटल्स रिमूव हो जाएंगे, क्लोरामीन रिमूव हो जाएगा, यूरिक एसिड रिमूव हो जाएगा, क्रिएटिन रिमूव हो जाएगा, ठीक है। फिर जो बचेगा, जब वो सेकेंड लेयर में पहुँचेगा, तो वहाँ यूरिएज की लेयर होती है, वो हमारे यूरिया को कन्वर्ट कर देगा अमोनियम कार्बोनेट में। फिर वहाँ से तीसरी लेयर में जाएगा डायलेसेट, जहाँ पर क्या होगा कि हमारे कैल्शियम, मैग्नीशियम, अमोनियम ये सब बाइंड हो जाएंगे, और हाइड्रोजन और सोडियम ये हमारा रिलीज हो जाएगा। इसके बाद हमारा फोर्थ लेयर में जाएगा डायलेसेट, जहाँ पर क्या होगा कि हमारा फास्फेट, फ्लोराइड ये तो बाइंड हो जाएंगे, मतलब वो सोख लिए जाएंगे, और फिर क्या होगा कि एसीटेट, बाइकार्बोनेट और सोडियम को रिलीज़ कर दिया जाएगा। एडवांटेजेस में ये कि रिड्यूस वाटर रिक्वायर्ड, बहुत ज़्यादा हमें वाटर की नीड नहीं होती है, 6 लीटर्स में काम हो जाता है। रिमूव स्पेसिफिक टॉक्सिन्स, बहुत सारे स्पेसिफिक टॉक्सिन्स को ये रिमूव करता है। ये पोर्टेबिलिटी इसमें आसान है, मतलब आदमी इसको लेके ना ट्रेवल कर सकता है, मूव कर सकता है। नो नीड ऑफ स्पेशल वाटर सप्लाई और ड्रेन सिस्टम, जब हमें कोई स्पेशल वाटर सिस्टम की या वाटर सप्लाई की ज़रूरत नहीं है, ना ड्रेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसको हम लेके कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये बहुत महंगी हो सकती है ये, और इसमें भी एक इसकी अपनी यूरिया और अमोनिया को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, तो बहुत ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होती है। मे नीड टू कार्ट्रिज इफ़ यूरिया इज़ वेरी हाई, अगर हमें किसी ऐसे पेशेंट की डायलिसिस कर रहे हैं जिसका यूरिया कंटेंट बहुत हाई है, तो फिर हमें वहाँ पर दो कार्ट्रिज यूज़ करना पड़ सकता है। क्वेश्चंस में हमारे ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि जो हमारी सॉर्बेंट कार्ट्रिज होती है और उसकी जो लेयर्स होती हैं, उन लेयर के क्या क्या काम होते हैं। इससे ज़्यादा इसमें और कुछ पूछता नहीं अभी तक। तो कोई आपकी क्यूरी हो तो मुझे ज़रूर बताएं। बहुत शुक्रिया।